please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे को ज्यादा आधुनिक, सुविधाजनक और दुनिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर लंगर सेवा के लिए खरीदे जाने वाले सामान पर जीएसटी हटाने की मांग की। गैंगरेप के आरोप में घिरे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 मई तक टल गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला प्रशासन ने बिना मान्यता के चलाए जा रहे 35 स्कूलों को नोटिस जारी कर 69 लाख का जुर्माना लगा दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के साकेत में एक कार में अचानक आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे को जमानत मिल गई। राजस्थान के डूंगरपुर में एक परिवार की तरफ से जेवरात और नकदी लेकर दुल्हन के भागने की शिकायत पर पुलिस ने शादी कराने वाले 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। त्रिपुरा में मॉरल पुलिसिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास अवैध संबंध के आरोप में एक महिला को सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा गया। मामले के सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करवाया, जिसके बाद निर्वस्त्र करके पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। अखिलेश यादव ने यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार से इनामी बदमाशों की सूची जारी करने की मांग करते हुए पुलिस पर एनकाउंटर के जरिए दहशत फैलाने का आरोप लगाया। कभी इतनी नोटिस नहीं मिली होंगी ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से जितनी इस सरकार को लगातार मिल रही है। यूपी में बीती रात आए तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 पहुंच गई जबकि 27 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष के भाई की मौत के बाद हुए बवाल के बाद अब हालात सामान्य हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 25,000 बीपीएल परिवारों को आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना से जोड़ने का फैसला लिया। राजस्थान के कोटा में बैंक कर्मियों ने वेतन समझौता लागू न होने का आरोप लगाते हुए मई के आखिरी हफ्ते में 2 दिन हड़ताल करने की चेतावनी दी। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच हुई डील के बाद फ्लिपकार्ट के ग्रुप चेयरमैन रहे सचिन बंसल ने कंपनी से 10 साल का साथ खत्म होने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 7 मई को 3 आतंकियों को देखे जाने की खबर के बाद खुफिया विभाग ने सुरक्षा बल को अलर्ट रहने को कहा। न्यूज 18 पर दिखाई गई खराब बर्फ की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने व्यापारिक और खाने की बर्फ के लिए अलग जानकारी देने का निर्देश दिया। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरने गए एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ओले गिरने से फसल के नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। यूपी के लखनऊ में एक नामी रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच मिलने का आरोप लगाते हुए एक ग्राहक ने हंगामा किया। यूपी के बाराबंकी में लोगों ने वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक मरीज की मौत का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। इस इलाके में आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस का साझा अभियान चल रहा था, तभी दूटागढ़ के जंगल में उनकी मुठभेड़ नक्सलियों के एक गुट से हो गई। सुरक्षा बल के जवानों की भारी तादाद को देख नक्सली वहां से भाग निकले, हालांकि उनका एक साथी मारा गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ से पहले वहां करीब 45 नक्सली मौजूद थे। मौके से सुरक्षा बल के जवानों ने प्रेशर आईडी, नक्सल साहित्य और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। प्रमोद मुतालिक की राष्ट्रीय हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की राष्ट्रीय हिंदू सेना की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा और केरल समेत कई राज्यों में धूल भरी आंधी और तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। कांग्रेस के आईटी सेल की राष्ट्रीय संयोजक दिव्या स्पंदना ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर गाड़ी तक नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताई।
गुजरात के सूरत में एक महिला डॉक्टर की हत्या के आरोप में महिला के पति के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में मुम्बरा टोल नाके पर बिना टोल चुकाए बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे एक कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम में मुस्लिम संगठनों ने 125 की जगह 37 जगहों पर नमाज पढ़ने का फैसला लिया। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने 18 लाख रुपए के सरसों के तेल की चोरी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तिरुवनंतपुरम में एक समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले ईशान और सूर्य केरल का पहला ट्रांसजेंडर जोड़ा बन गए। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार दोपहर फेसबुक लाइव करने की जानकारी देते हुए प्रशंसकों से जुड़ने की अपील की। टुमारो आई एम गोना गो लाइव एट 1:30 पीएम, सो मेक श्योर यू आर देयर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ओले गिरने की वजह से सब्जियों और फल की खेती को काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वकील रोहित टंडन समेत दो आरोपियों को जमानत दे दी। गुजरात के महेसाणा में कबाड़ के एक गोदाम में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पा लिया। यूपी सरकार के खेल मंत्री चेतन चौहान ने राम मंदिर मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। ये होना ही चाहिए और होगा भी, समय की बात है। करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, करोड़ों करोड़ों भक्तों की आस्था है भगवान राम में और उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, इसलिए करोड़ों करोड़ों भक्त जो भी है, जो गुजर गए या आगे जन्म जिनका होगा, ऐसे सब लोगों का विश्वास एक ही है और उनकी एक इच्छा एक ही है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर। पंजाब के अबोहर में यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी यात्री तुरंत बस से बाहर निकल गए। एक निजी कंपनी की ये बस अबोहर से राजस्थान के श्रीगंगानगर जा रही थी। गनीमत ये रही कि आग भड़कने से पहले इसमें सवार सभी लोग बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश में बस के ड्राइवर का हाथ झुलस गया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बस में लगी आग पर काबू पाया।